फिलहाल आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने चार कंपनियों के लेआउट ऐड कर रखे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक ही स्क्रीन पर मुझे चार कंपनियों के चार्ट दिखाई दे रहे हैं। डायरेक्टली मैं बाय एंड सेल कर सकता हूं। अधिक से अधिक मैं एक स्क्रीन पर आठ कंपनियों के चार्ट देख सकता हूं एंड डायरेक्टली यहीं से बाय एंड सेल भी कर सकता हूं एंड अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकता हूं। लेकिन मैंने इन सभी फीचर्स को यूज करने के लिए एक रुपए भी खर्च नहीं किया है, यानी कि मैंने लगभग मंथली 3,995 रुपए बचाए हैं, सालाना लगभग 47,940 रुपए बचाए हैं। ये ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम प्लस के चार्जेस हैं जो कि एनुअली है। अगर आप मंथली लेते हैं तो आपको काफी महंगे पड़ते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग व्यू को यूज ना करके tv.dhan.com को पोर्टल को यूज करते हैं तो आपको वो सभी फीचर्स फ्री में मिल जाते हैं जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू पर मिलते हैं। एंड कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जो कि सिर्फ आपको tv.dhan.com पोर्टल पर ही सिर्फ मिलेंगे, आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर यूज नहीं कर पाएंगे। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से tv.dhan.com पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाएंगे, किस प्रकार से लॉगिन करेंगे एंड किस प्रकार से आप मल्टीपल चार्ट्स को सेटअप कर सकते हैं, किस प्रकार से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब बेसिक से समझते हैं कि आपको किस प्रकार से tv.dhan.com पोर्टल पर एक नया अकाउंट बनाना है। सो अगर आप tv.dhan.com पोर्टल को यूज करना चाहते हैं फ्री में, सो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा धन पर। धन पर डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, कितने चार्जेस हैं, इसके ऊपर पहले ही मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धन ऐप के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, इस प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो ही आपको मिल जाएगा, या फिर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक एंड वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा धन के बहुत सारे अदर ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका आपको एक्सेस मिल जाता है फ्री में, अगर आप धन पर अपना एक नया डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं उस कंडीशन में। दूसरा प्रोसेस है कि अगर आपके पास पहले से धन पर डीमैट अकाउंट ओपन है या आपने फिलहाल बनाया है और जैसे ही आपकी KYC हो जाती है तो आप इलिजिबल है धन की डीमैट अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए tv.dhan.com पोर्टल पर। तो सेकंड स्टेप आपको फॉलो करना है, धन की वेबसाइट पे आना है। जैसे ही आप आएंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, लास्ट में लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका एक नया टैब ओपन हो जाएगा एंड फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन टू का, लॉगिन टू में जो भी ऑप्शन आपका सेलेक्ट है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा धन विद ट्रेडिंग व्यू, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका सेम पेज रिफ्रेश हो जाएगा एंड फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं धन के डीमैट अकाउंट को कनेक्ट करने के। पहला ऑप्शन होता है आप धन ऐप के माध्यम से QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप धन के डीमैट अकाउंट का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी को फॉलो करके अपने अकाउंट को कनेक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस QR कोड को यूज नहीं करना चाहता, तो नीचे हाइड QR का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पर QR कोड मुझे दिखाई दे रहा है, इस QR कोड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद में धन के डीमैट अकाउंट का मेरा जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मुझे यहाँ प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद में मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में धन के डीमैट अकाउंट का जो भी मेरा पासवर्ड है वो पासवर्ड मैं यहाँ प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में धन के डीमैट अकाउंट के साथ में जो भी मेरा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है एंड मोबाइल नंबर है उस पर OTP भेजा जाएगा, जो भी OTP मुझे मिलता है वो मैं यहाँ प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा वैसे ही आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा tv.dhan.com पोर्टल के साथ में एंड फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। हो सकता है कि ऐसा नहीं दे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं, इसीलिए आपको कुछ इस प्रकार का लुक दिखाई देगा। यहाँ पर आपका किसी भी कंपनी का चार्ट ओपन हो सकता है, जिस भी कंपनी का चार्ट ओपन होगा ना उसका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि आपको मल्टीपल लेआउट कैसे ऐड करनी है फ्री में। तो आपको यहाँ पर ऊपर लेआउट्स ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप एक स्क्रीन पर आठ कंपनियों के चार्ट देख सकते हैं एंड उन कंपनियों में आप इंट्राडे में डिलीवरी में स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं एंड होम स्क्रीन पर ही आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। या आप ये बोल सकते हैं कि आप एक स्क्रीन पर जितने भी चार्ट्स के आपने लेआउट ऐड किए ना वहीं से आपके पास पूरा कंट्रोल है, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन मिल जाते हैं, या आप बोल सकते हैं कि सिंगल विंडो पे आप जितने भी स्टॉक्स को देखना चाहते हैं उनके आपको कुछ यहाँ पर डिजाइन मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चार का फर्स्ट डिजाइन है वो कुछ इस प्रकार से है, सेकंड डिजाइन कुछ इस प्रकार से है। सो जिस भी डिजाइन में आप कंफर्टेबल है एंड जितने भी चार्ट आप सिंगल विंडो पे देखना चाहते हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पर चयन करना है। जितने भी आपने लेआउट फिलहाल सेलेक्ट किए होंगे उसके अनुसार आपको यहाँ पर कंपनियों के चार्ट दिखाई देंगे। अब हो सकता है कि आपको जितने भी चार्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं उनमें एक ही कंपनी का चार्ट दिखे, तो आप कस्टमाइज कैसे करेंगे वो समझते हैं। कस्टमाइज करने के लिए जिस भी चार्ट में आप जिस भी कंपनी को बदलना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। आपको पता कैसे चलेगा सेलेक्ट हो गया है? जैसे ही सेलेक्ट हो जाएगा ना आपका पूरा जो चार्ट होगा वो कवर हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बाउंड्री हो चुकी है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर टाटा मोटर्स पे क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर
ये सिलेक्ट हो गया तो पूरा बाउंड्री हो गया। इसी प्रकार से आप जिसमें भी परिवर्तन करना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप अपने कीबोर्ड में F टाइप करेंगे। F टाइप करने के बाद में आप F को तो हटा देंगे, आपको सर्च वाले पेज पे भेजा जाएगा। आपको नीचे ऑप्शंस मिलेंगे काफी, इक्विटी वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको उस कंपनी का नाम सर्च करना है जिस कंपनी का आप चार्ट देखना चाहते हैं, या फिर आप उसमें इंट्राडे में अपनी लॉन्ग की या शॉर्ट की पोजीशन ओपन करना चाहते हैं, या फिर डिलीवरी में शेयर्स बाय करना चाहते हैं। इट मींस कि आप कुछ भी करना चाहते हैं उस कंपनी का नाम आपको यहाँ सर्च करना है। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ टाटा सर्च कर लिया। जैसे मैंने टाटा सर्च किया, टाटा की जितनी भी कंपनियां हैं उनके सर्च रिजल्ट आ चुके हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आप जिस भी पर्टिकुलर कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगर आप उसका पूरा नाम लिखेंगे ना तो सिर्फ वो ही कंपनी आपको दिखाई देगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टाटा स्टील यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे टाटा स्टील लिखूंगा सिर्फ टाटा स्टील की जो कंपनी है ना वो ही मुझे दिखाई देंगी। लास्ट में आपको कुछ यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है। ईक्यू का मतलब होता है इक्विटी, एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो एनएससी बीएससी दोनों में से आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एनएससी को ऐड करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरा जो चार्ट है सिंपली वो ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने जितने भी लेआउट ऐड किए हैं और जिस भी कंपनी का आप चार्ट बदलना चाहते हैं आसानी से बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं सो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। सो आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर ले। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट ऑप्शन सेल वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। आपका जो भी स्टॉक सेलेक्ट होगा उसका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे मेरा टाटा स्टील सेलेक्ट है सो टाटा स्टील दिखाई दे रहा है। और अगर मान लीजिए मैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस पे क्लिक कर लूंगा सो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं वापस से यहाँ पर टाटा स्टील को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ से इस पैनल को यूज करके इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। अब आप किस प्रकार से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस प्रकार से आप डिलीवरी में शेयर्स बाय कर सकते हैं मैंने पहले ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में tv.dhan.co पोर्टल एंड ट्रेडिंग व्यू वाले प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप और अधिक डिटेल में सीखना चाहते हैं बिल्कुल बिगिनर लेवल से tv.dhan.co पोर्टल के बारे में तो आपको tv.dhan.co पोर्टल एंड ट्रेडिंग व्यू वाले प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।